फाइव का अगला क्वेश्चन आठवां है, व्हाई डिड द जाइंट फील सैड, राक्षस दुखी क्यों रहता था, इवन व्हेन, जब भी द चिल्ड्रन केम रेगुलरली टू प्ले इन हिज गार्डन, जब जो है बच्चे उसके बगीचे में नियमित रूप से खेलने आने लगे, तब भी वो है राक्षस दुखी क्यों रहता था। तो जब बच्चे उसके बगीचे में नियमित रूप से खेलने आने लगे, तब भी जो है राक्षस दुखी रहता था, उसका कारण यह था कि वह उस छोटे बच्चे को नहीं देख सकता था जो उसे किस करता था। वास्तव में राक्षस उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। तो दो लाइन तो क्वेश्चन की हैं, पहली और दूसरी लाइन जो है क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तीसरी लाइन देखते हैं, कारण यह था, तो द रीजन वाज दैट, द रीजन यह और की के लिए यह को नहीं लिखा जाता, तो द रीजन वाज दैट, ठीक है, द रीजन वाज दैट, कारण यह था कि ही वह कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, ठीक है, कुड लिखा जाएगा, कुड मतलब सकता था, तो ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, द लिटिल बॉय, उस छोटे से बच्चे को नहीं देख सकता था। तो द रीजन वाज दैट, कारण यह था कि, और फिर ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, द लिटिल बॉय, उस छोटे से बालक को नहीं देख सकता था जो उसे किस करता था, हु किस्ड, सेकेंड फॉर्म हु किस्ड हिम, जो उसे किस करता था। और वास्तव में, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, इन फैक्ट वास्तव में या रियली भी लिख सकते हैं, राक्षस मतलब द जाइंट जो है, लव्ड मतलब प्रेम करता था, हिम मतलब उसे प्रेम करता था, और वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन फैक्ट वास्तव में द जाइंट राक्षस जो है लव्ड करता था हिम उसे, और वेरी मच बहुत ज़्यादा, तो हु किस्ड हिम, इन फैक्ट द जाइंट लव्ड हिम वेरी मच लिख देते हैं। तो द रीजन वाज दैट, द रीजन वाज दैट, ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, द चिल्ड द लिटिल बॉय, उस छोटे से बच्चे को, हु किस्ड हिम, जो उसे किस करता था, इन फैक्ट वास्तव में, द जाइंट लव्ड हिम वेरी मच लिख देते हैं। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है यहाँ से होगी, बस थोड़ी सा आप जमा के लिखोगे, जब बच्चे उसके बगीचे में नियमित रूप से खेलने आने लगे, वैन से लिख देते हो, जो पूरी लाइन लिख देते हो, ठीक है, तो फिर तब भी राक्षस दुखी रहता था, द जाइंट जो है फेल्ट सैड, दुखी रहता था, ठीक है, फेल्ट सेकेंड फॉर्म लिखोगे, द जाइंट फेल्ट सैड, राक्षस दुखी रहता था, तो व्हेन द चिल्ड्रन केम रेगुलरली टू प्ले इन हिज गार्डन, पहली लाइन लिखी, फिर सेकेंड लाइन है कि द जाइंट फेल्ट सैड लिखा, और फिर लिखा इसके बाद द रीजन वाज दैट ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, द लिटिल बॉय, उस छोटे से बालक को, हु किस्ड हिम, जो उसे किस करता था, इन फैक्ट वास्तव में, द जाइंट राक्षस जो है लव्ड हिम वेरी मच। तो पहली लाइन हमने क्वेश्चन की लिखी, व्हेन द चिल्ड्रन केम रेगुलरली टू प्ले इन हिज गार्डन लिखा, और फिर द जाइंट फेल्ट सैड लिखा, फिर द रीजन वाज दैट, कारण यह था कि ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकता था, द लिटिल बॉय, उस छोटे से बालक को, हु किस्ड हिम, जो उसे किस करता था, इन फैक्ट वास्तव में, द जाइंट लव्ड हिम वेरी मच। तो सबसे पहले क्या लिखा है, व्हेन द चिल्ड्रन केम रेगुलरली टू प्ले इन हिज गार्डन, और फिर द जाइंट फेल्ट सैड, और द रीजन वाज दैट, द रीजन वाज दैट, और फिर लिखा है ही, और कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, द लिटिल बॉय, उस छोटे से बालक को, हु किस्ड हिम, जो उसे किस करता था, इन फैक्ट वास्तव में, द जाइंट राक्षस जो है लव्ड हिम वेरी मच, राक्षस उसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अगला क्वेश्चन है, जो ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, के हु वाज द लिटिल बॉय, वह छोटा बालक कौन था, और वेयर डिड ही टेक द जाइंट, वह राक्षस को कहाँ ले गया, और भाई क्यों ले गया, तो वह छोटा बालक कौन था, वह राक्षस को कहाँ ले गया और क्यों ले गया, ये बताना है। तो वह छोटा बालक जो था जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह था, वह राक्षस को स्वर्ग ले गया, क्योंकि राक्षस पूरी तरह बदल गया था, वह स्वार्थी नहीं था, और उसने जो बच्चों के साथ प्रेम करना और खेलना शुरू कर दिया था। तो पहली लाइन हमने लिखी, वह छोटा बालक, द लिटिल बॉय, मतलब वह छोटा बालक, वाज साई क्रिया लगा के जीसस क्राइस्ट,
द लिटिल बॉय वॉज जीसस क्राइस्ट, और वह मतलब ही टुक ले गया, द जाइंट राक्षस को ले गया टू द हेवन मतलब स्वर्ग ले गया, तो ही टुक वह ले गया द जाइंट राक्षस को टू द हेवन स्वर्ग ले गया, बिकॉज क्योंकि द जाइंट राक्षस जो है हेड सहायक क्रिया लगा के चेंज्ड मतलब बदल गया था, और कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह बदल गया था, तो बिकॉज द जाइंट क्योंकि राक्षस हेड चेंज्ड बदल गया था कम्प्लीटली पूरी तरह है, नाउ अब ही वाज नॉट सेल्फिश, ही वाज सहायक क्रिया लगा कि नॉट सेल्फिश स्वार्थी नहीं था, नाउ ही वाज नॉट सेल्फिश अब वह स्वार्थी नहीं था, एंड ही और उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया था, ठीक है, प्लेइंग एंड लविंग और विथ द चिल्ड्रन बच्चों के साथ। तो यहाँ पे लिखा द लिटिल बॉय वाज जीसस क्राइस्ट, द लिटिल बॉय वाज जीसस क्राइस्ट, और ही टुक वह ले गया द जाइंट राक्षस को टू द हेवन स्वर्ग ले गया, बिकॉज द जाइंट हैज चेंज बदल गया था कम्प्लीटली, बिकॉज द जाइंट हैड सहायक क्रिया और चेंज बदल गया था कम्प्लीटली पूरी तरह, नाउ ही वॉज नॉट सेल्फिश अब वह स्वार्थी नहीं था, नाउ ही वॉज नॉट सेल्फिश एंड ही स्टार्टेड लविंग एंड प्लेइंग विथ द चिल्ड्रन बच्चों के साथ, एंड ही स्टार्टेड लविंग एंड प्लेइंग विथ द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हमने लिखा द लिटिल बॉय वॉज जीसस क्राइस्ट, द लिटिल बॉय वॉज जीसस क्राइस्ट, और ही टुक वह ले गया द जाइंट टू द हेवन, ठीक है, ही टुक वह ले गया जाइंट को ले गया टू हेवन स्वर्ग ले गया, बिकॉज द जाइंट हेड सहायक क्रिया लगा के चेंज बदल गया था कम्प्लीटली पूरी तरह, बिकॉज द जाइंट हेड चेंज बदल गया था कम्प्लीटली पूरी तरह, नाउ ही वॉज नॉट सेल्फिश, नाउ ही वॉज सहायक क्रिया नॉट सेल्फिश स्वार्थी नहीं था, एंड ही और उसने जो है स्टार्टेड शुरू कर दिया था लविंग एंड प्लेइंग शुरू कर दिया था, प्रेम करना और खेलना विथ द चिल्ड्रन बच्चों के साथ, तो ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया लविंग एंड प्लेइंग विथ द चिल्ड्रन बच्चों के साथ।